आज हम बनाने वाले हैं एक्वेरियम, जो कि ये डोलसिल कंपनी का एक सिलिकॉन है। देखिए ये सबसे बेस्ट सिलिकॉन है एक्वेरियम के लिए। जब भी आप एक्वेरियम बनाइएगा तो यही वाला सिलिकॉन यूज करिएगा, इससे लीकेज नहीं होता है और बेस्ट है। इसका MRP आप देख सकते हैं 400 का है, मुझे भी ये 400 का ही मिला है। आप किसी भी फिश शॉप से ले सकते हैं आसानी से। चलिए एक्वेरियम बनाते हैं। फिर देखिए किस तरह से हम जो ग्लास को एक साइज का रख लिए हैं, फिर उसके बाद से धीरे धीरे किनारे किनारे लगाइएगा इस तरीके से। देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, चारों साइड से आपको इसी तरह करके लगाना है। देखिए दो साइड का लग चुका है और एक साइड का और लग रहा है, इस तरह से आपको लगाना है। फिर एक एक्वेरियम के जो इस साइड फ्रंट वाला है उसको लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ किस तरह से, उस साइड का भी इसी तरह से लगाना है आपको, पूरा एक एक करके पूरे ग्लास पे इस तरह से लगा लेना है आपको। फिर उठा करके देखिए इस तरह से, आप अकेले इस तरह एक्वेरियम मत बनाइएगा, दो लोग को ज़रूर साथ में रखिएगा। देखिए इस तरह से एक एक करके पूरे ग्लास को रखना है और साइज बाहर से ज़्यादा ना निकले, इसलिए इस तरह से देखते रहिएगा। देखिए दोनों इस तरह से ग्लास लग चुका है, फिर ये फ्रंट वाला लगाना है। अकेले काम ये बिल्कुल मत करिएगा, ये वरना आपका एक्वेरियम जो है टूट सकता है और बैन भी हो सकता है, मतलब लीकेज हो सकता है। देखिए इस तरह से जो अंदर का होगा उसको इस तरह से भर लेंगे। देखिए किस तरह से मैं भर रहा हूँ, और साइड साइड से जो है फिर टेप लगा लीजिएगा। देखिए इस तरह से टेप लगा लेना है आपको, फिर अंदर से इसको भर लेना है सिलिकॉन को। ज़्यादा मत लगाइएगा वरना आपका फिनिशिंग नहीं आएगा अच्छे से। इस तरह से फिर इसको फिनिशिंग देना है अंदर से लगा करके, ताकि लीकेज ना हो। इस तरह देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, अंदर नीचे नीचे लगा दिया हूँ इस तरह से। देखिए ये देखिए हमारा फाइनल लुक आ गया है, कैसा कितना अच्छा लग रहा है। और टेप आपको लगा देना है सपोर्ट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो एक्वेरियम बनाने वाला है, तो वही एक्वेरियम बनाने के लिए यूज करिएगा सिलिकॉन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका जल्दी ही हम टैंक सेटअप करेंगे तो उसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।